नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भारत में कोविड 19 के 54,044 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 76,51,107 तक पहुंच गए। 717 और मरीजों की मौत के बाद देश में महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 1,15,914 हो गई। देश में कोविड 19 के 7,40,090 एक्टिव मरीज, 67,95,103 लोग अब तक बीमारी से स्वस्थ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड 19 का टीका उपलब्ध होने पर टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत डिजिटल स्वास्थ्य परिचय पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। दुबई में मंगलवार की रात को नजर आई किंग्स 11 पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा की लापरवाही। बिना मास्क पहने देख रही थी मैच, सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं रखा ध्यान। पीएम नरेंद्र मोदी के ब्रह्म वाक्य 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी को किया नजरअंदाज। भारत ने मंगलवार को पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना द्वारा पकड़े गए चीन के भटके हुए सैनिक को चीनी सेना के हवाले कर दिया। चीनी सैनिक की पहचान कॉर्पोरल वांग या लॉन्ग के रूप में की गई। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे चूसुल मोल्डो सीमा चौकी पर चीनी सेना को सौंप दिया गया। बिहार के औरंगाबाद में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव पर 2 बार फेंकी गई चप्पल। एक चप्पल तेजस्वी के बगल से गुजरकर पीछे जा गिरी, जबकि दूसरी चप्पल तेजस्वी के गोद में जा गिरी। यह पता नहीं चल सका कि चप्पल किसने और क्यों फेंकी। शिवराज सरकार का सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। दीपावली से पहले 7वें वेतनमान के एरियर की तीसरी और अंतिम किश्त जारी करने का फैसला। प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। पाक सेना द्वारा नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी से पाकिस्तान के सिंध में बवाल। सिंध पुलिस के चीफ को भी घेरा। पुलिस ने सेना के खिलाफ खोला मोर्चा, हजारों पुलिस कर्मी छुट्टी पर गए। सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने दिए जांच के आदेश। सिंध सरकार की अपील पर काम पर लौटे पुलिस अधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। कहा, पुलिस कर्मी हमेशा बिना किसी हिचक के अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। भयावह अपराधों को सुलझाने से लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपदा प्रबंधन में मदद करने से लेकर कोविड 19 से निपटने तक पुलिस कर्मियों ने बिना किसी हिचक के अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। वृंदावन में बाकी बिहारी मंदिर में महिला भक्त का हाई वोल्टेज ड्रामा। मंदिर के बंद कपाट खुलवाकर दर्शन करने की जिद पर अड़ी। कहा, सिर्फ मेरे ठाकुर जी में है कोरोना को रोकने की शक्ति। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार भी केंद्र द्वारा हाल ही में पारित कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ विधेयक लाएगी। इसके लिए जल्द ही राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।